गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। क्या बना रही हो शाम के लिए? शाम के लिए बनाने वाले हैं आलू और मटर के, काली मिर्च वाले आलू मटर। अच्छा, काले को बहुत पसंद है, इंतजार रहता है। ये ठंडी कबा है और ये काली मिर्च वाले आलू मटर घी में बनता है। हाँ, घी में बनता है। घी या रिफाइंड भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये साइड में क्या चाय रख दिया है? हाँ, चाय चढ़ा दिया, मटर काली मिर्च वाले आलू के साथ चाय, बेस्ट। अभी गर्म हो जाने, अच्छे से गर्म। इसमें क्या क्या पड़ेगा? ये अदरक, अदरक है, जीरा है, हरी मिर्च है, ये तीनों का तड़का लगाएंगे। और ये नमक और काली मिर्च लास्ट में हम डालेंगे जब ये हमारे आलू मटर पक चुके होंगे। ये आलू है, इसके नीचे मटर है, अभी दिखाते हैं। अच्छा, अब क्या डालोगे इसमें? अब ये आलू है, ये हरी मटर, ये सारा डालेंगे। अब इसको ढक के थोड़ी देर, हाँ, पानी इसमें डाल देंगे थोड़ा तो पकने के लिए। बस धीमी आंच में पकाएंगे? नहीं, तेज आंच में। अच्छा, अच्छे से पक जाए, तब तक हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी। हाँ, चाय भी तैयार हो रही है हमारी। और ये आलू मटर पक चुका है और इसका पानी भी सूख चुका है। अच्छा, और ये बन भी सिक गया है और ये चाय भी कंप्लीट है पूरी। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक, नमक स्वाद अनुसार। और ये काली मिर्च, काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही पड़े तो अच्छी लगती है काली मिर्च। काली मिर्च का ही टेस्ट आता है, ये कलर के लिए थोड़ा लाल मिर्च ऑप्शनल है। अच्छा, चाहे तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में बच्चे होते हैं वो तीखा नहीं पसंद करते हैं। नहीं पसंद करते तो आप ना डालें। तैयार, बस हमारा ये आलू मटर रेडी। अब हम लोग करते हैं इसे सर्व। सेंटा बन गए हम लोग भी। और अभी हम लोग खाएंगे। ये क्या कर रही हो? ये बन है, बन को सेक रही हो? हाँ, इसको हम लोग किससे खाएंगे? इसी के साथ, चाय के साथ और आलू मटर के साथ। हाँ। अगर सौम्या दी इस वीडियो को देख रही होंगी तो उन्हें बहुत लालच आ रहा होगा क्योंकि ठंड में उन्हें ये चीज बहुत पसंद है ना। सौम्या का फेवरेट है ये। चलो अब हम लोग जा रहे खाने। आओ, इन जमीन में खाने का अपना ही मजा है। चाय है, आलू मटर है और ये बन है। मैं खा के बताऊंगी आज कैसा बना है। ओके। बहुत ही टेस्टी है, बस नमक थोड़ा सा कम लग रहा है।